तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है हमारे सामने CB300F। तो भाई ये कलर स्कीम है रेड एंड ग्रे के साथ ब्लैक कलर में। इंजन की बात करें 300cc का इंजन है जो कि 24.5 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 26 Nm का टॉर्क। सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, गाड़ी में ऑयल कूल्ड फीचर्स है, रेडिएटर नहीं है पर ऑयल कूलिंग है भाई। एंड पूरी बॉडी प्लास्टिक वर्क में एंड कलर कॉन्ट्रास्ट एकदम टॉप नॉच है। एंड सामने मिल जाते हैं आपको LED इंडिकेटर एंड पूरी लाइट है जो है LED में है। तो होंडा भाई बिग विंग के साथ इसको कोलैब किया है। एंड लुक्स देखो भाई, सामने मिल जाता है आपको MRF का 110 सेक्शन का टायर है। आई थिंक सो 110 सेक्शन का ही होगा, हाँ 110 सेक्शन का टायर है। एंड पीछे है आपको मिलता है 150 सेक्शन का टायर, सेम MRF का है भाई। एंड लुक्स देख लो एक बार पूरी तरीके से। एंड ग्रैब्स की बात कर ली जाए तो भाई टॉप नॉच वाले ग्रैब्स हैं। एंड पीछे से बात की जाए तो कुछ इस तरह का इसका टेल सेक्शन है भाई। भैया इसकी लाइट ऑन करना ज़रा पीछे से, और ये आपको रियर में लाइट मिल जाएगी। तो ब्रेकिंग लाइट कुछ इस तरीके की, इसका ब्रेक लगाना, ये इसका ब्रेक लाइट सेटअप है। और इंडिकेटर चलाना ज़रा, और ये इसका इंडिकेटर सेटअप है, तो बंद कर दो। और कुछ इस तरह का इसको फील मिलता है भाई, देख लो। मतलब हर चीज़ एकदम बिल्ड इन टू हार्ड बनाई गई है और काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये कुछ इस तरह का है, निफिन के ब्रेक सेटअप मिल जाते हैं चारों तरफ आपको, वो मिल जाता है। OBD2 सेंसर मिल जाता है, स्प्लिट सीट मिल जाती है, बॉडी पूरी फाइबर में बनी हुई है बट बीच में ये ब्लैक पैनल दे रखा है भाई, तो एक अलग बात है। एंड E20 फ्यूल के साथ आती है, ये देख रहे हो E20 फ्यूल के साथ आती है भाई, बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छे से दे रखी है। बाकी भैया ने चलाई है, कैसा एक्सपीरियंस है इसका? टॉप नॉच है। बाकी अभी हम भी चला के देखेंगे भाई, बाकी विजिबिलिटी भी चेक करेंगे। सामने मिल जाता है आपको गोल्डन फोक्स, सामने मिलता है आपको USD, पीछे मिलता है मोनोशॉक। एंड कुछ इस तरह का लुक मिलता है भाई, देख रहे हो कुछ इस तरह का लुक है। मतलब गाड़ी लग रही होगी आपको छोटी सी पर गाड़ी बहुत बड़ी है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गाड़ी लग रही है। मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा कॉर्नर पर, और सामने से लाइट ऑन करके दिखा दो भैया एक बार। लो बीम और हाई बीम दोनों करना, करो ऑन करो देगा। हाँ ये इसका लो बीम है और हाई बीम दिखाओ, हाई बीम बहुत तेज है भाई, लो बीम और हाई बीम है भाई। तो LED सेटअप मिलता है पूरा, और सामने से मिलता है कुछ इस तरह का सेटअप, बंद कर दो। और नीचे मिल जाती है आपको अंडरबेली, सिंगल साइड हॉर्न मिलता है आपको। एंड ओवरऑल देखो यार, भैया को बैठा के दिखा रहा हूँ कि क्या फील आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात आती है उसमें मिलता क्या है मीटर में, वो देख लेते हैं एक बार आना ज़रा। तो इंजन में जाके देखते हैं, पहले आपको मिलता क्या क्या है इसमें। ABS लाइट मिलती है, इंडिकेशन मिलता है, और आपको मिलता है इंजन लाइट, न्यूट्रल, टाइम, और ट्रिप ए ट्रिप बी, और RPM आपको बड़ा डिजिटल ही है। गियर इंडिकेशन मिल जाता है, और आप कितना फ्यूल इकोनॉमी मिलती है वो है, फ्यूल इकोनॉमी दिख जाती है। स्विच क्वालिटी की बात कर लूँ तो स्विच क्वालिटी कुछ इस तरीके से मिल जाती है, बहुत ही फिट एंड फिनिश एंड प्रीमियम मिल जाती है आपको। इनबिल्ट हैजार्ड मिल जाता है इसमें, और क्या चाहिए, इनबिल्ट हैजार्ड। तो ये एक अलग चीज़ है भाई, और पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा है कंफर्टेबल है। हैंडल की क्वालिटी बहुत ही हार्ड टू अप। एंड 13 से 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड भाई ये मैं हूँ, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी बताता हूँ मैं एक और नई चीज़ कि इसमें बैठने में कैसा कंफर्टेबल मिलता है, कि बैठने में भी मैं आपको दिखा दूँ कि बैठने में कैसा लगता है, तो मैं बता दूँगा कि कैसा है। तो मैं आपको बैठ के दिखा दे रहा हूँ, ये बैठ के मैं कुछ इस तरह बैठा, ठीक है। अब भैया चारों तरफ से दिखाओ, चारों तरफ से घुमा के दिखा दो, थोड़ा दूर से दिखाओ, थोड़ा सा दूर से। हाँ पैर मेरे बिल्कुल आराम से आ रहे हैं, और ये चारों तरफ से कुछ इस तरह का लुक आएगा, देखो ज़रा। मतलब कुछ इस तरह का पॉइस्चर है एकदम तरीके से देखने में, जो कि आपको कैमरे में दिख रहा होगा। और फिट एंड फिनिश एकदम गजब है भाई। विजिबिलिटी की भी बात करूँ तो इधर से मुझे पूरा विजिबल हो रहा है, और इधर से भी पूरा विजिबल हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। पकड़ने में सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर है। और ये कुछ आपको ऐसा मोटो व्लॉगिंग या डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप सामने से भी देख रहे हो भैया किस तरह नोटिस कर रहे हैं। बाकी भाई चारों तरफ देख लो, अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो भी आप आराम से चला लोगे, मनोवर कर लोगे। और 5 फीट 5 है या 5 फीट 5 6 है तो मेरे जितनी, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये देखो मेरे पैर पूरे आ रहे हैं और इधर भी पूरे आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी भाई इसमें काफ़ी कुछ है, ये T पॉइंट वाला शायद आई थिंक सो ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है ट्रैक्शन कंट्रोल दे रखा है भाई। और क्या लोगे, वो गाड़ी भाई एकदम टॉप नॉच है,
पीछे का टायर बहुत ही ज़्यादा रेडियल टायर दिया हुआ है। एक चीज़ बताना भूल गया, जो है स्प्लिट सीट, इसमें स्प्लिट सीट दी हुई है भाई। बाकी एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, इसका मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना दूँ एक बार। नेफिन के ब्रेक सेटअप है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ड्यूल चैनल एबीएस सिस्टम मिलता है आपको उसमें। कुछ इस तरह का बैरल साउंड मिलता है आपको भाई, तो वो एक अलग बात है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी मैंने बता दी है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना। बाकी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। बाकी कुछ एक बात बता देता हूँ, कुछ इस तरह का आपको लुक मिलता है देखने में, कुछ ये लुक है आपको देखने में मिलता है। बाकी आप लोग बताना गाड़ी कैसी है। मेरी तरफ से गाड़ी बहुत ही टॉप नॉच है। इसका नाम है CB300F, जो कि एक कलर स्कीम में आती है, तीन कलर में आती है, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। अभी आपके सामने है रेड कलर की स्कीम, ब्लू कलर स्कीम आपको की फ़ोटो आपको स्क्रीन में दे दूंगा मैं, बट ओवरऑल ये मिल रही है हमें रेड कलर की स्कीम में। तो बाकी ये ब्लॉग यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ओवरऑल बताना अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो भाई हम आगे बना देंगे, बट ये लुक कुछ इस तरह का आता है। बाकी मिलते हैं एक और अमेजिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाकी ये बताना ज़रूर कि कैसा लगा।